भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में सर्वोच्च माने जाने वाले केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का कुछ दिन पहले पुनर्गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इससे बाहर रखा गया था। इसके बाद नितिन गडकरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गडकरी ये कहते दिख रहे हैं कि मंत्री पद जाने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के अलावा सभी राजकीय पक्षों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। इस वायरल हुए वीडियो पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी व्यक्त की है। उनके भाषण का ये वीडियो वायरल हो गया है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने भाषण में नितिन गडकरी ने 1996 में मेलघाट से जुड़ी एक घटना सुनाई, जब वह लोक निर्माण मंत्री थे। इसमें उन्होंने कहा कि मेलघाट में सड़कें नहीं थी, कुपोषण था। उस समय उन्होंने बयान दिया था कि जो कुछ भी होगा वह मंत्रालय छोड़ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लिप को पूरे भाषण से दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर बनाया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर झूठा और फर्जी अभियान शुरू किया है। नितिन गडकरी हमेशा से ही अपने स्पष्ट वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, इसलिए गडकरी ने कड़ी चेतावनी दी है कि यह बयान से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे।